देखिए यहाँ पे मल्हार रेलवे स्टेशन के पास, रेलवे ट्रैक के पास में डीसीपी ईस्ट की क्राइम टीम और थाना चिन्हट प्रहरी निरीक्षक के टीम द्वारा जॉइंटली कार्रवाई की गई है। यहाँ पे इनके गश्त और कॉम्बिंग के दौरान इनको 7-8 बदमाश रेलवे ट्रैक के ऊपर से आते हुए दिखे और वो हथियारों से लैस थे। उनको रोकने को कहा गया तलाशी हेतु, परंतु उनने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी और अंधेरे के आड़ में जो है करीब उनमें से कई लोग भागने में सफल हुए। तीन लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें से दो चोटिल हैं जिनको अस्पताल प्राथमिक इलाज हेतु भेजा गया है और हमारी टीम में से भी एक आरक्षी को गोली लगी है, वो भी चोटिल है, उसको भी प्राथमिक इलाज हेतु सीएचसी चिन्हट भेजा गया है। सर, जो बदमाश थे उनका कोई आपराधिक इतिहास या कोई किस घटना को अंजाम देने जा रहे थे जब यह मुद्दे लिए? देखिए अभी घटना घटित हुआ है तो हम लोग अभी तक विस्तार से पूछताछ करने के समय नहीं मिल पाया है, परंतु जो प्रारंभिक पूछताछ डीसीपी नॉर्थ ईस्ट और उनकी टीम द्वारा किया गया है उससे प्रतीत होता है ये बांग्लादेश से आए हुए जो डकैती डालने वाले गैंग के सदस्य हैं और इनके पीछे हम लोग काफ़ी दिन से लगे भी हुए थे और इनकी तलाश की जा रही थी। 1-2-3 डकैती इनके द्वारा पिछले साल भी डकैती घटना पिछले साल कारित की गई है और लखनऊ में इनकी आवाजाही की काफ़ी हिस्ट्री रहा है और ये लोग आते और सीधे घटना कारित करके बांग्लादेश वापस चले जाते थे, इसलिए इनको पकड़वाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। परंतु हम लोग आशावादी है कि यही गैंग है और आगे और विस्तृत पूछताछ से आगे और बात सामने आएगी। सर, कितने बदमाश गिरफ्तार हुआ है, कितने भागे हैं? देखिए कितने भागे हैं ये तो अंदाजे नहीं हम लोग बता सकते, 6-7 लोग होंगे क्योंकि 10-12 लोगों के करीब ग्रुप था। 3 लोग हम लोग की हिरासत में आए हैं जिसमें 2 लोग चोटिल हैं और उनको इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। सर, जो आरक्षी घायल है उसकी क्या स्थिति है? सर, स्टेबल है और कोई वो खतरे से बाहर है और उसकी भी इलाज चल रही है। सर, मुठभेड़ वर्क करने वाली की टीम को कोई इनाम? देखिए अभी तो हम आए हैं, परंतु हाँ निश्चित रूप से अगर हम लोग जो आशा कर रहे हैं पूछताछ से अगर वही गैंग निकल के आई तो निश्चित रूप से हमारे और सीपी साहब की तरफ से यथोचित पुरस्कृत टीम को की जाएगी। अभी ऑन द स्पॉट मैं करीब 20,000 रुपये की इनाम घोषित करता हूँ। हो गया, ठीक है। बहुत धन्यवाद।